गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अशोक तिवारी पंडित दीन इंटरमीडिएट कॉलेज से ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित। हम लोग पिछले वीडियो शुरू किए थे, 2-4 में रैखिक समीकरण योग में। तो कल हम बताए थे दो चर में रैखिक समीकरण योग में कुछ प्रतिबंध बताए थे, 3 उसमें प्रतिबंध बताए थे। तो हमें ऐसा है कि वो तीनों प्रतिबंधों को आप लोग समझे होंगे। उसी पर आधारित सवाल काफी क्या अनुपातों a1 / b2 / c1 / c2 का अनुप्रयोग, यानी इन अनुपातों का अनुप्रयोग करके हमको ये बताना है कि जो समीकरण युग्म दिए गए हैं इसमें कौन कौन से समीकरण युग्म संगत हैं और कौन कौन से समीकरण युग्म संगत नहीं अर्थात असंगत हैं। इसमें हम 8 क्वेश्चन दिए हैं। अब कैसे जांच करेंगे इसके लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यह एक एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं x - y + 2 = 0 तथा 4x - y - 2 = 0। तो ये समीकरण हम लिखे हैं। अब इसकी सहायता से हम समझाएंगे कैसे हम जानेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पर सवाल ध्यान समझना, जो फर्स्ट समीकरण है इसको हम लिख लेंगे x - y + 2 = 0, इसको यहाँ समीकरण 1 बना लेंगे। सेकेंड समीकरण 4x - y - 4 = 0, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, प्रथम समीकरण से x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम समीकरण x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1 होता है। और द्वितीय समीकरण से ही x और y के गुणांक का अचर पद लेना है। तो द्वितीय समीकरण में x का गुणांक a2 होता है, y का गुणांक b2 और अचर पद c2 होता है। तो यहां इसको हम लिख लेंगे प्रथम समीकरण से x का गुणांक a1, तो a1 का मान दिया है 1। y का गुणांक होता है b1, तो b1 का मान यहां -1 और अचर पद c1, तो c1 का मान यहां दे दिया है 2। इसके बाद से दूसरे समीकरण से a2 का मान 4, b2 y का गुणांक होता है तो b2 का मान -1 और c2 अचर पद होता है तो c2 का मान -4। तो इस तरह से हम जो है a1 b1 c1 प्रथम समीकरण से, द्वितीय समीकरण से a2 b2 c2 का मान ले लिए। अब इसके बाद से क्रम से एक अनुपात को ज्ञात करेंगे। अब यहां पर करेंगे a1 / a2 = 2, तो a1 का मान हुए a2 का मान हुआ 4। इस तरह से a1 / a2 का मान आ रहा है 1/4। अब इसको ये छोड़ दो। अब इसके बाद से b1 / b2 का निकाल लो, तो b1 / b2 = 2। तो इसमें b1 का मान -1 और b2 का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 1। इस तरह से देख रहे हैं b1 / b2 का अनुपात 1 आ रहा है। अब इसके बाद से अचर पद को ले लो, तो अचर पद है का अनुपात c1 / c2 = 2, तो c1 का मान 2, c2 का मान -4, ये कट जाएगा 2 * 2 और 2 * 4 -1 / -2। अब जब इतना हम कर लेंगे तब इसके बाद से हमको देखना है, सबसे पहले प्रथम प्रतिबंध के अनुसार प्रथम प्रतिबंध क्या है, यदि a1 / a2 ≠ b1 / b2, अगर x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो ऐसे समीकरण को जो है समीकरण युग्म को हम संगत कहते हैं, ये ध्यान रहे। तो हम देख रहे हैं a1 / a2 = 4 है, अब b1 / b2 मानी का है, दोनों बराबर नहीं है। जो बराबर नहीं है यहाँ पर ले ले चुकी, तब उससे कोई मतलब अचर पद के अनुपात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ले ले a1 / a2 ≠ b1 / b2, इसलिए समीकरण निकाय संगत है, निकाय संगत है।
मान लो किसी क्वेश्चन में ये दोनों बराबर आ गए, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का जो अनुपात है ये बराबर आ गया, और उसके बाद से तो देखेंगे कि सी वन अपॉन सी टू भी बराबर है कि नहीं। तो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू अगर तीनों के मान बराबर आ रहे हैं तब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। बताए थे कि जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो समीकरण के अनेक हल अनंत हल प्राप्त होते हैं, ऐसे समीकरण को संगत कहा जाता है। ओके, तो अगर किसी क्वेश्चन में तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो वहां दिखा दोगे कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रथम दो अनुपात बराबर आ गए लेकिन तीसरा अनुपात उनके बराबर नहीं है, ध्यान समझो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का मान बराबर आ रहा है तो इसको तो हम बराबर दिखाएंगे, लेकिन अगर सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं है तो उसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो वो प्रतिबंध तीन है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो जब उसको हम चेक कर लेंगे, उसके बाद से अगले वीडियो में फिर कुछ नई चीजें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।